शिमारू के नए वीडियोस के लिए सब्सक्राइब कीजिए और बेल आइकन को दबाना ना भूलें। गुड मॉर्निंग सर। मॉर्निंग मॉर्निंग। मुखिया जी बदलापुर। कलेक्टर साहब, सबसे बढ़िया बासमती चावल उगाने के लिए राष्ट्रपति जी ने हमारे जिला को इनाम दिया था। इंद्र देवता नाराज हो गए। पिछले 15 साल से बंजर जमीन पे हम आंसू बहा रहे हैं। रुकिए मत मुखिया जी, बोलते रहिए। बोलना क्या है कलेक्टर साहब? 4 साल से हमारी फाइल आपके यहाँ घून खा रही है। कौन सा फाइल मुखिया जी? साहब, पुनपुन नदी से हमारे किरतपुर जिला तक के नहर बनाने की फाइल। कलेक्टर साहब, बस एक बार हमारी फाइल मुख्यमंत्री जी तक पहुंचा दीजिए। मुखिया जी, मुखिया जी, समझता नहीं है आप। एक्चुअली फाइल यहाँ से वहाँ जाता नहीं है, बल्कि वहाँ से यहाँ आती है। समझ गए? लेकिन तरीके से कागज नीचे से ऊपर जाती है। तुम्हारा तारीफ? राम परवेश पासी, बदलापुर गांव से। नियम का बात करता है तुम? अरे नियम खुद नियम से नहीं चलता आजकल। कलेक्टर साहब, हम आमरण अनशन करेंगे। करिए, जरूर करिए। और हम तो कहता है कि वो चैनल वालों को भी बुला के लाइए, कार्ड होम देता है आपको। ये लीजिए, कुछ काम नहीं उसके पास भी, दिन भर ऐसे ही घूमते रहता है, चिल्लाते रहता है। काम भी मिल जाएगा उसको, कुछ मसाला भी मिल जाएगा। लेकिन आप लोगों को क्या मिलेगा? ठंडा दिमाग से सोचिए मुखिया जी। अरे भूखे पेट से भगवान का भोजन नहीं हो पाता है तो वो आवाज कहां से लाएंगे जो ऊपर तक पहुंचे? भूखे पेट से आवाज तो नहीं निकलेगी कलेक्टर साहब, लेकिन उसमें आग तो पकड़ेगी। मतलब आत्मदाह। क्या बकवास करता है तुम मुखिया जी? कलेक्टर साहब, 15 दिन भीतर जो हमारी फाइल ऊपर तक नहीं पहुंची तो 16वें दिन हम अपने आप को आग लगा देंगे। उसके बाद हर दिन एक एक किसान तब तक अपनी बलि देता रहेगा जब तक हमारी आवाज ऊपर तक नहीं पहुंचेगी और जब तक ये नहर नहीं खुदेगी। जो कहें वो करेंगे और सब किसान भाई हमारा साथ भी देगा, लेकिन उसका जरूरत पड़ेगा नहीं। आप देखिएगा मुखिया जी, 15 दिन भीतर ही नहर का नक्शा जरूर ही पास हो जाएगा। अरे वो तो ठीक है राम परवेश, बाकी तुम कुछ ज्यादा ही ताव खा रहे थे। डर तो कलेक्टर हमरा जाने से ही गया था, लेकिन तुमको आत्म अरे बिना अकल के जानवर माइंड माइंड है कि नहीं है? बाबा, जब देखो तब मुंह में घुसेड़ देता है। देखा बाबा, हम जीत गए। हाँ देखा, चल। अरे अकल की दुश्मन, समझती काहे नहीं? किसी ना किसी को तो आगे बढ़कर बोलना ही था ना। वहाँ क्या सबके सब मुर्दे थे जो आपने ही मुंह खोला? देखो जी, ज्यादा नेता मत बनो। और वो कलेक्टर के ऑफिस में क्या कह रहे थे? सकीना के आदमी ने सब बताया है हमें। कल हमारे साथ झटका मैया के मंदिर चलना, जरूर कोई कुछ कर दिया है। मति भ्रष्ट हो गई आपकी। सुंदरी जरा सोचो, अगर आज हमने आवाज नहीं उठाई तो कल हमारे बच्चों के भविष्य का क्या होगा? तो क्या आप आत्मदाह करेंगे? मरे आपको आगे कर देते हैं आप तो ना। अब तुम चैन से खाना खाने दोगी या नहीं, कि नेताइन बनकर ही मानोगी? बस अम्मा, चुपचाप खा। विजय, खाना खाओ, नहीं तो कबड्डी कैसे खेलोगे? चलो खाओ। बाबा, सकीना मौसी के यहाँ से आने के बाद अम्मा रो कह रही थी। मूर्ख है वो। कह रही थी सब आपको आगे करके खेला देखते रहते हैं। कहा ना मूर्ख है वो, इस मिट्टी इस गांव से हमारा पुरखों का रिश्ता है। कोई हमें आगे रखे या पीछे, नहर खुदेगी तो सबका भाग्य खुलेगा। लेकिन बाबा, स्कूल में मास्टर जी भी कहते हैं कि ऐसे कामों का फल तभी मिलेगा जब पूरे 42 गांव के लोग मिलकर प्रयास करेंगे। विजय, किया गया प्रयास बड़ा है या छोटा, सफल है या असफल, लिए गए संकल्प और दृढ़ निश्चय से तय होता है। ये हमारे मास्टर जी कहते थे, लेकिन शायद उसके लिए बलिदान भी देना पड़े।
लेकिन एक बार ऊपर तक बात पहुंचेगी तभी नहर खुदेगी। ऊपर तो भगवान है बाबा। ऊपर के नहीं, उसे थोड़ा नीचे, मतलब मुख्यमंत्री, हमारे नीचे के भगवान। बाबा बोलो। नींद आ रही है तो सो जा। ठीक है सो जा। क्या कर रहा है यहाँ? यहाँ काम करने को किसने बोला? कोई नहीं। तो फिर क्या कर रहा भैया यहाँ पर? नहर खोद रहा है। तेरे नहर अगर ऐसे खुद जाती तो तेरा बाप जल के काहे मरता, नहर नहीं खोद लेता। पागल की औलाद, चल यहाँ से। अम्मा कहो ना, हम हर पांचवें इतवार को घर वापस आएंगे, अब हम बड़े हो गए हैं। चुप कर, कमीज की बटन तो ठीक से लगानी आती है नहीं, अकेले कैसे रहेगा? सब सीख जाएंगे अम्मा, बिना बाबा के खाट पे अकेले सोना कैसे सीख गए? लेकिन तुम अकेले रह लोगी ना? नहीं मेरे बच्चे, नहीं रह सकती। अयोध्या सिंह मलिक आ गए। नमस्ते मलिक। सुंदरी, अगली बार जब विजय वापस आएगा ना तो उसके महीने की दिहाड़ी उसके साथ भेजेंगे, 800 रुपए, ठीक है ना? हाँ चलते हैं अम्मा। सोचा